दोस्तों मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर मैटिक में। दोस्तों हमारे जो ओला की S1 और S1 प्रो स्कूटर है, जो ई स्कूटर है, उसमें एक प्रॉब्लम होता है हाई स्पीड में, या हम आगे का जो ब्रेक दबाते हैं तो हैंडल से खट्टा ऐसा आवाज़ आता है और हैंडल में थोड़ा सा प्ले आता है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, इधर के ज़्यादा स्पीड से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन ये देखो ये ऐसा खट्टा ऐसा आवाज़ आता है और मेरा हैंडल में प्ले आता है। ये देखो, ये हम ऐसे घुमाते हैं ना तो भी प्ले महसूस होता है। मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से आपको आवाज़, वैसे जाते हैं ना 30-40 स्पीड के और ऐसा ब्रेक दबाते खट ऐसा आवाज़ आता है। तो ये जो आवाज़ है, ये हमारे जो हैंडल है उसमें प्ले होता है, इसके कारण आता है। तो ये किस तरीके से, एकदम इजीली है, ज़्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजीली इसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये इस वीडियो में हम देखो। ये स्पीकर के ऊपर ये फ्रेम होती है, ये सिर्फ हाथ से ऐसे खींचनी है तो आ जाती है। इसमें लॉक वगैरह होते हैं, इसमें स्क्रू वगैरह कुछ नहीं होते। तो उसके बाद ये क्लिप है, देखो फाइबर की, थोड़ा सा आगे से दिखा, मैं एकदम आगे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये फाइबर की क्लिप रहती है, तो ये इसमें स्क्रू होता है, थोड़ा सा निकालना है। ये देखो, निकालने के बाद हाथ से थोड़ा खींचोगे ना बाहर आ जाती है, थोड़ा निकालना है। और ये देखो, ये इस तरह की क्लिप होती है, ये देखो ये स्क्रू रहता है इसमें, ठीक है। थोड़ा निकालना है और खींचना है, और बाकी सब स्क्रू वगैरह एलिंकी के हैं वो सब मैं निकाल लेता हूँ। ये निकालने के बाद ये जो स्पीकर है ये पूरा बाहर आ जाएगा। निकालने के बाद स्पीकर है और USB की असेंबली आ जाती है। ये सिर्फ कपलर होते हैं, अंदर होते हैं, ये इस तरह प्रेस करोगे और खींचोगे ना तो आ जाते हैं। ये देखो, ये दोनों तरफ होते हैं, वो दोनों निकाल लिए हमने। तो अभी क्या है, स्क्रू है एलिंकी के, वो सारे निकाल देता हूँ। ये नीचे से, नीचे का मैट वगैरह हमने निकाल दिया है, उस साइड का भी स्पीकर निकाल दिया है। निकाल रहा हूँ, एक स्क्रू जो होता है इसमें भी होता है, ये कैरी बैग वगैरह का हुक दिया है उसमें होता है, ठीक है। बाकी के तो साइड में, बाकी के तो आपको दिख जाते हैं, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। इसके अंदर भी लॉक होते हैं, ये इस तरह का लॉक खोलने का टूल मिलता है फाइबर का, इससे आपको ये एकदम आराम से बाहर निकालना है, नहीं तो टूट भी सकता है। एकदम आराम से ये काम करना है, ये देखो ये अंदर लॉक वगैरह होते तो इस तरह ये निकालना है। ये देखो, ये बाहर का भी आ जाएगा, अंदर का भी आ जाएगा। ये देखो, ये सब निकालने के बाद ये देखो, ये चेक नट मिलते हैं आपको दो, और इधर एक नट होता है। ये देखो, ये नट भी हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसा आपको जैक पे वगैरह चढ़ा के रखनी है थोड़ी गाड़ी, और ये एडजस्ट करनी है। ये देखो, ये हमने लूज़ करके लिया, इसका स्पेशल टूल आता है, या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा मारोगे ना तो भी आ जाता है। ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर का लूज़ करना है और नीचे का थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। और टाइट करने के बाद आपको घुमा के देखना है, ये फ्री घूम रहा है क्या, एकदम फ्री घूमना चाहिए, ऐसा टाइट करना है। आपको अगर पता है मतलब ऑटोमोबाइल का थोड़ा बहुत, कैसे ये प्ले वगैरह सेट करते हैं, कौन सेट कैसे बदलते हैं, तो ईज़िली आप कर पाओगे। ये देखो, ये अभी मैंने थोड़ा टाइट किया, और अभी ये देखो, ये हैंडल एकदम आराम से घूम रहा है, टाइट नहीं है ज़्यादा। तो अभी ऊपर का नट है, ये भी टाइट करूँगा। ऊपर का नट इसलिए होता है कि नीचे का नट वगैरह वाइब्रेशन से लूज़ ना हो, लॉक नट होता है, लॉक नट कहते हैं। तो ये भी टाइट कर दूंगा, और ये टाइट करने के बाद पूरा फिटिंग वगैरह कर दूंगा और आपको आवाज़ दिखाऊंगा आता है या नहीं आता है। अभी देखो फिटिंग की, फिटिंग करने के बाद ऐसे ही मैं ट्रायल मार के लेके आया, तो ट्रायल मार के देखना है हैंडल आपको ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं लग रहा है, ये सब चेक करना है। तो उसके बाद अगर हार्ड लग रहा है तो थोड़ा सा लूज़ करना है नट, ज़्यादा भी टाइट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ड आएगा हैंडल और हाथ में वगैरह दर्द होने लगेगा, अच्छी मतलब फीलिंग आएगी नहीं। तो प्रॉपर हुआ है, थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैक पे उठा के आप घुमा के देखते हो ना तो उससे पता चल जाता है, इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाकी सब अभी हमें फिटिंग करना है, तो बाकी जैसे जैसे निकाला था वो सारा फिटिंग करना है, सारे जो वायर्स है स्पीकर के है इंडिकेटर्स के है वो सारे लगा देने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये ओला के बहुत से लोग डरते हैं कि ये इलेक्ट्रिक है ऐसा वैसा है, तो कुछ नहीं, रेगुलर स्कूटर है वैसा ही है, और आपको प्रॉपर नॉलेज है तो ही खोले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी स्कूटर खोले और चेक कीजिए, आपको नॉलेज नहीं है, आता नहीं है तो आपको जो भी मतलब सर्विस सेंटर है वहाँ से ही काम करवा के ले ले। आपको अगर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपने रिस्क पे आप कर सकते हो, मतलब मेरा ये नहीं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो है सिर्फ, और आपको दिखाने के लिए क्या होता है और क्या करना होता है, ठीक है। तो अभी ये जितना भी फिटिंग है, सारा जो स्क्रू वगैरह सारे निकाले,
सारा लगा देता हूँ मैं और आपको चेक करा के ये दिखाता देखो हूँ। सारा फिटिंग भी कर दिया, जितने भी मतलब पीस निकाले थे, स्पीकर वगैरह निकालता, वो सारा फिटिंग कर दिया। और ट्रायल भी लेके देखिए, एकदम प्रॉपरली हो गई है। पहले जो खड़खड़ खड़खड़ मतलब आवाज़ आता था, मतलब ब्रेक दबाने कट कर ऐसा आवाज़ आता था, वो आवाज़ अभी पूरा मतलब गायब हो गया, एकदम प्रॉपर हो गया। मतलब इधर दिखाना भी मुश्किल है, पहले भी दिखाया था लेकिन इतना मतलब प्रॉपर आवाज़ नहीं आपको आया था। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये देखो, ये ऐसा मैं ब्रेक मारता था ना, कट ऐसी आवाज़ आती थी। तो आपके भी स्कूटर में प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे करना है आपको। अगर आता है पूरा काम एकदम प्रॉपरली तो ही करना है, नहीं तो किसी मैकेनिक को बोलेंगे तो भी वो करके देगा, नहीं तो ओला का जो मतलब रोड साइड असिस्टेंस है वो आपको करके तब देगा। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।